हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आज के लेक्चर में हम वाटर मिक्स मैट्रम के बारे में पढ़ेंगे। वाटर बाउंड मैट्रम के बारे में हम पढ़ चुके हैं। एज इट इट इज़ ए कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन विच इज़ जनरली टाइम कंज्यूमिंग एंड मैनुअल विद कॉपीसिस यूज ऑफ वाटर। इसका जो डिसएडवांटेज है आपका वाटर बाउंड मैट्रम का, वे ये है कि इट इज़ दैट द सेग्रेशन ऑफ एग्रीगेट टेक्स प्लेस इन द मिक्स and the work results in non-uniformity in the finished surface. As in water-bound magnum, only aggregates and sand is mixed. That is why there is a segregation of the aggregates. But in wet mix magnum, this construction is an improvement upon the conventional water-bound magnum and is intended to be as an alternative and more durable pavement layer. वाई, क्योंकि जब आपका वाटर मिक्स मैग्नम है, यहाँ पे कम स्लरी तैयार करते हैं विद सैंड एग्रीगेट एंड वाटर, जो कि एक आपकी यूनिफॉर्म सरफेस देता है आपको और बेटर कंपैक्शन, एंड देयर इज नो सेग्रेशन ऑफ एग्रीगेट्स एज बाइंडिंग मटेरियल इज अप्लाइड विद द एग्रीगेट्स एंड सैंड। इट कंसिस्ट्स ऑफ क्लीन क्रस्ट graded aggregates pre-mixed with other granular materials and water and rolled to a dense mass on a prepared surface. So, ye hai aapka jo water mix magnum hai, that is why we use this as an alternative for the water bound magnum. Ab hum is lecture mein aage water mix magnum की रिक्वायरमेंट क्या है, कहाँ कहाँ इसे यूज़ करते हैं, क्या इसमें मटेरियल यूज़ होता है, उस मटेरियल की क्या स्पेसिफिकेशन रहनी चाहिए और कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है इसका, वो देखेंगे। द कोड दैट इज आई एम रेफरिंग फॉर दिस, दिस इज IRC 109, ये इसका लास्ट वर्जन है, 1997 अपडेटेड वर्जन आ गए हैं, आप उनसे भी देख सकते हो। अभी हमने 1997 में देखा था कि हम वाटर मिक्स मैग्नम को वाटर बाउंड मैग्नम से ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, वाई इट इज़ यूज एन अल्टरनेटिव फॉर वाटर बाउंड मैग्नम, और जिसका जो लेटेस्ट वर्जन है 109/2015। अब इसे हम देखते हैं कि इसका वाटर मिक्स मैग्नम है क्या, क्या मटेरियल इसके लिए चाहिए, क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स रहेंगी और कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या है। So basically the definition of wet mix magnum construction is it is an improvement upon the conventional WVM and is intended to be as an alternative and more durable pavement. Wet mix magnum is a sub-base base course of pavement wherein clean crushed graded aggregates and granular material like graded coarse sand are mixed with water and rolled to a dense mass on a prepared surface. So what is WMM? WMM is a subbase or base course of the pavement. किसी भी पेमेंट स्ट्रक्चर में ये कहाँ पे यूज होती है, एज ए सब बेस और बेस कोर्स। मटेरियल क्या यूज होता है इसमें, क्लीन क्रस्ट ग्रेडेड एग्रीगेट्स एंड ग्रेनुलर मटेरियल्स लाइक ग्रेडेड कोर्स सैंड्स आर मिक्सड विद वाटर एंड रोल्ड टू अ डेंस मास। The thickness of an individual layer shall not less than 75 mm. जो individual layer thickness है वो 75 mm से कम नहीं होनी चाहिए and can be up to 250 mm. So यहाँ पे हम individual layer thickness का मतलब है जो आप total thickness में provide करते हैं, number of two or three layers में provide करते हैं, तो उसमें जो single layer है उसकी thickness आपकी 75 mm से less नहीं होनी चाहिए। Okay. नेक्स्ट वी हैव मटेरियल रिक्वायरमेंट, क्या क्या इसमें मटेरियल होगा। फर्स्ट वी हैव एग्रीगेट्स, द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स फॉर द एग्रीगेट्स, हेयर वी यूज कोर्स एग्रीगेट विच शैल बी क्रस्ट स्टोन क्रस्ट ग्रेवल सिंगल एंड नॉट लेस देन 90% बाय वेट ऑफ ग्रेवल और सिंगल रिटेंड ऑन 4.75 mm शीव शैल हैव एटलीस्ट टू फ्रैक्चर्ड फेसिस। तो जो आपकी इसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं इन टाइप के एग्रीगेट्स की, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये टेबल वन में गिवन है, क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट्स रहेंगी।
फर्स्ट ऑफ ऑल लॉस एंजलस और एब्रेशन वैल्यू या फिर जो आपकी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है दे शुड बी 40% मैक्सिमम और 30% मैक्सिमम रिस्पेक्टिवली एंड द कम्बाइंड फ्लैकनेस एंड इलोमिनेशन इंडेक्स शुड बी 35% मैक्सिमम. एंड नेक्स्ट वी हैव ग्रेडिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर द मटीरियल. A material shall have particle size distribution and particle shape which provide high mechanical stability and should contain sufficient funds to produce a dense material when compacted. If the amount of fine aggregate produced during the crushing operation is insufficient, non-plastic angular sand may be used to make up the deficiency. In constructing a crushed stone road base, the aim should be achieve maximum impermeability compatible with good compaction and high stability under traffic. Means जो आपका material है वहाँ पे coarse aggregate के साथ साथ it should have sufficient amount of fines so that they can fill the gap and produce a dense material when compacted. So for that the aggregate shall conform to the grading as per table 2 of IS 109 2015. What we have here, the grading requirement for aggregates for wet mix magnum. Here we have the IS sieve destinations 53 mm, 45 mm, 22, and we have the here in second column percentage by weight passing sieve. Means 53 mm size aggregate have 100% passing. Similarly 4.75 mm has 25 to 40% passing. The fraction passing the 75 micron sieve shall not be greater than 2/3 of the fraction passing than 600 micron sieve. Besides this, the material finer than 425 micron shall have plasticity index not exceeding 6. This is important here. कि जो आपका मटेरियल है विच इज फाइनर देन 425 माइक्रोन शैल हैव प्लास्टिसिटी इंडेक्स नॉट एक्सीडिंग 6. फॉर डिटरमिनेशन ऑफ लेबोरेटरी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट फॉर सैंपल हैविंग एग्रीगेट्स पासिंग थ्रू 37.5 mm सीव बिगर साइज ऑफ मोल्ड वॉल्यूम 2 to 50 cc एज स्पेसिफाइड इन IS 2720 Part 8 shall be used. किस लिए? To calculate the or to find out the maximum dry density and OMC. Now next we have construction operations. How the WMM construction is proceeds or how it is constructed. So first of all, first point we have weather and seasonal limitations. That means the working of laying of wet mix magnum shall not be done during the rain. So weather and seasonal limitations, it should not be done during the rain. Now second step we have the preparation of subbase or base. The surface of the subbase or base to receive WMM core shall be prepared to the specified lines and crosswall or camber and made free of dust and other extraneous material. Means पहले आपको जहाँ भी अगर इसको एज ए सब बेस यूज करना है तो सबग्रेड को, अगर इसे एज ए बेस यूज करना है तो बेस को, उस लेयर को सरफेस को टोटली प्रिपेयर रखना होगा विद द स्पेसिफाइड लाइन्स उसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग और जो कैम्बर चाहिए उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर किसी तरह का कोई डस्ट और extraneous matter now. So this is the second step in construction operation. Now next, now second step is third step is provision of lateral confinement of wet mix layer. While constructing WMM, arrangement shall be made for the lateral confinement of wet mix. This shall done by laying material of adjoining shoulder along with that of wet mix layer. The sequence of operations shall be such that the construction of the shoulder is done in layers, each matching the thickness of the adjoining pavement layer.
ओनली आफ्टर अ लेयर ऑफ पेमेंट एंड कॉरस्पॉन्डिंग लेयर्स इन शोल्डर हैव बीन लेड एंड कंपैक्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ नेक्स्ट लेयर ऑफ पेमेंट एंड शोल्डर शुड बी टेकन अप. दैट मीन्स जब आपकी वेट मिक्स एक सिंगल लेयर डाल दी जाएगी तो उसके साथ का जो भी एडजस्टमेंट शोल्डर होगा उसकी कंस्ट्रक्शन भी उसके साथ ही चलेगी. और जब टोटल कंपैक्शन के बाद शोल्डर एंड लेयर देन नेक्स्ट लेयर और शोल्डर की आपके शोल्डर की और पेमेंट की नेक्स्ट लेयर उनकी कंस्ट्रक्शन की जाएगी. तो यहाँ पे लेटरल कन्फाइनमेंट ऑफ वेट मिक्स लेयर मीन्स जो कि कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन है वो सिक्वेंस में चलेगा. ये नहीं कि पहले लेयर डाल दी शोल्डर बाद में बनाए, शोल्डर्स उस पेमेंट लेयर के साथ साथ एडजस्टमेंट शोल्डर्स की भी कंस्ट्रक्शन की जाएगी. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप नेक्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ मिक्स. व्हेन द WMM मिक्स इज द क्रशर रन मटेरियल इट शैल बी स्टॉकपाइल्ड विद द फ्रंट एंड लोडर्स. होता क्या है इसमें जो आपका प्रिपरेशन ऑफ मिक्स में इसमें मिक्स प्लांट्स यूज करते हैं विद पग मिल्स और पैन टाइप मिक्सर जहाँ पे आपका एग्रीगेट सैंड एंड वाटर से की स्लरी तैयार करते हैं उन्हें बैचेस में स्टोर करके रखते हैं. एंड OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज डिटरमाइंड एज पर द मॉडिफाइड प्रोडक्ट टेस्ट फॉर दिस मिक्स. फॉर जो आपका ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड है उस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पे उस मिक्स को तैयार करके देवर स्टोर्ड इन स्टॉक पाइल्स एंड रिक्वायर्ड व्हेन एंड ट्रांसपोर्टेड व्हेन वेयर दे आर रिक्वायर्ड. वाइल एडिंग वाटर ड्यू अलाउंसेज शैल बी मेड फॉर एवोपेशन प्रोसेस. हाउएवर एट द टाइम ऑफ कंपैक्शन वाटर इन द वेट मिक्स शैल नॉट बी मोर देन 2%. सो नेक्स्ट वी हैव स्प्रेडिंग ऑफ मिक्स. आफ्टर दैट द मिक्स इज स्प्रेड ऑन प्रिपेयर्ड सरफेस uniformly. Immediately after mixing, the mixed material shall be transported to the site and spread uniformly and evenly upon the prepared subbase and base in required quantities. Hauling of the mix over a fresh completed stretch is not permitted. Transportation of mix is usually done by tipping trucks. In order to avoid moisture loss in transit due to evaporation, mix should be covered with tarpaulin. The material is usually kept wet during transportation and laying to reduce the likelihood of particle segregation. Means during transportation, इसके segregation का और आपका जो moisture loss है उसका ध्यान रखना है. और एक बार ये जहाँ पे चाहिए वहाँ पे इसको transport कर दिया, then it is layered in the spreaded uniformly. In the form of layers of required thickness, the mix may be spread by using a paver finisher. Paver finisher use कर सकते हैं for a better layer spreading. After the spreading of mix, इसमें सिर्फ एक ध्यान रखना है कि आपकी यहाँ पे there should not be no segregation of large and fine particles. टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द स्प्रेडिंग कि आपका सेग्रेशन ना हो लार्ज और फाइन पार्टिकल्स का, ये ना हो कि आपके लार्ज पार्टिकल्स अलग हो जाएं फाइन पार्टिकल्स अलग हो जाएं ड्यूरिंग द स्प्रेडिंग ऑफ द मिक्स ऑन द सरफेस. ओके नेक्स्ट हमारे पास है कंपैक्शन. नेक्स्ट स्टेप में आफ्टर द मिक्स हैज बीन लेड टू द रिक्वायर्ड थिकनेस ग्रेड एंड क्रॉस फॉल a camber, the same shall be uniformly compacted to the full depth with the suitable roller. जो भी suitable roller required होगा वहाँ पे with the help of that is uniformly compacted. The speed of roller shall not exceed 5 km/h. ठीक है जी, जो आपका roller है उसकी speed 5 km/h से ज़्यादा ना हो. Formulation of compaction methodology to meet the compaction requirement of the specification shall be based on trial sections. इस कोड में 109/2015 में आप इसके एनेक्शन में कंपैक्शन की गाइडलाइंस क्या है वो आप पढ़ सकते हो.
कोड मैंने आपका शेयर कर दिया क्लासरूम में। ओके, आफ्टर दैट द रोलिंग शुड बी डन सच दैट द रोलिंग शैल कमेंस फ्रॉम द लोअर एज, जबकि रोलिंग कहाँ से शुरू होगी, लोअर एज से, एंड प्रोग्रेस ग्रेजुअली टुवार्ड्स द अपर एज। देयर आफ्टर रोलर शुड प्रोग्रेस पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द रोड यूनिफॉर्मली ओवरलैपिंग ईच प्रोसीडिंग ट्रैक बाय एट लीस्ट 1/3 विड्थ अंटिल द एंटायर सरफेस हैज बीन रोल्ड। ठीक, जबका रोलिंग होगी वो किस तरह की रहेगी, स्टार्ट होगा ये लोअर एज से एंड प्रोग्रेसली ग्रेजुअली कहाँ तक जाएगा, अपर एज तक। इसके बाद जो आपका रोलर है इट शुड प्रोग्रेस पैरेलल टू द सेंटर लाइन ऑफ द रोड, जो सेंटर लाइन रोड है उसके अकॉर्डिंग को कंपैक्ट करेगा। यूनिफॉर्मली ओवरलैपिंग मीन्स एक बार एक साइड जो आपकी कंपैक्ट कर दी है उसका ओवरलैप कंपैक्टिंग करनी है किस तरीके से, सच दैट 1/3 विड्थ अंटिल द एंटायर सर्फेस हैज बीन रोल्ड, मीन्स जो पहले कंपैक्ट हो चुकी है उसका 1/3 फिर से नई राउंड पे कंपैक्ट करना है, और ये कब तक चलेगा, जब तक आपका पूरा सर्फेस रोल्ड ना हो। इन पोर्शंस इन कैम्बर, जहाँ पे कैम्बर्स प्रोवाइडेड हैं, रोलिंग शुड बिगिन एट एज, एज से शुरू होगी, विद द रोलर रनिंग फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड अंटिल द एज हैज बीन कंपैक्टेड फुली। द रोलर देन प्रोग्रेस ग्रेजुअली टुवार्ड्स द सेंटर पैरेलल टू सेंटर लाइन ऑफ द यूनिफॉर्म ऑफ द रोड यूनिफॉर्मली ओवरलैपिंग ईच ऑफ द प्रोसीडिंग ट्रैक एट लीस्ट 1/3। इससे क्या होगा, आपकी एज से ही सेंटर की तरफ जाएगा एक साइड से, दूसरी साइड से भी एज से सेंटर की तरफ, तो जो आपका मेंटेन हमें कैम्बर मेंटेन करना है वो कैम्बर आपका उस तरीके से मेंटेन रहेगा। द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन इज देन टू बी रिपीटेड फ्रॉम द अदर एज ऑफ द पेमेंट अप टू सेंटर लाइन अल्टिल द एंटायर पेमेंट इज कंपैक्टेड। ठीक है, जहाँ पे कैम्बर प्रोवाइड करना है तो एक बार कैम्बर के राइट से, एक बार कैम्बर के लेफ्ट से आपकी कंपैक्शन स्टार्ट होगी सेंटर लाइन तक। After this step, the final step that we have setting and drying. The laid wet mix magnum pours shall be allowed to dry for 24 hours before priming. If it is needed, then prime coat is applied over the wet mix magnum layer and it is allowed to dry for 24 hours. After drying, the surface finishing is done regularly as to avoid the surface irregularities. After that it is open to traffic. In between, no vehicular traffic except construction vehicle with speed less than 5 km/h shall be allowed on the finished wet mix magnum surface. So this is the construction process or construction operations for the wet mix magnum। होप आपको ये समझ में आया होगा।